हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम गिरी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मार्केट में तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है, क्रैश हो चुका है, और भी गिरावट आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गिरावट इसीलिए होती ही रहेगी कंसिस्टेंटली कि गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर बने रहे। लास्ट बजट भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, अगर आप मिस्टेक्स से सीखते नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, वरना आप लोगों का दूसरा कोई ना कोई फ़ायदा उठा के चला जाएगा। फ़ायदा उठा के चला जाएगा मतलब आप लोगों को रोज़ डेली बताएगा कि इसमें एंटर करो, एग्जिट करो, एंटर करो, एग्जिट करो, क्योंकि उसको ब्रोकरेज का कमीशन मिलना चाहिए। आप खुद देख सकते हो पिछले टाइम का बजट में क्या हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। मैं जुलाई टाइम की बात कर रहा हूँ, जब FIs एंड FPIs ने 20,000 करोड़ तक का पैसा सिर्फ 20 दिन में निकाला था। तो इतनी ज़बरदस्त गिरावट के बाद क्या बजट खत्म हो गया? क्या तभी मतलब स्टॉक मार्केट ख़त्म हो गया? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स ले लिए, एंड उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। अभी सिमिलर स्टोरी अभी के बजट में देखने को मिल रही है, एंड ये हर वक्त की बजट की हिस्ट्री है। आप उठा के देख लेना, बजट के बाद कभी मार्केट भागता नहीं है, 90% मार्केट गिरता है। सो इसका फ़ायदा कौन उठाते? जो लोग यहाँ पे ऐसे आते हैं और आप लोगों को रोज़ डेली टारगेट्स लेवल देते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप लोग पैनिक सिचुएशन में हो। मैं आप लोगों को वापस कह रहा हूँ, आप लोगों को कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं भाई। हम लोगों का भी पैसा है, राकेश झुंझुनवाला जी का भी पैसा है, आपसे और मेरे से कहीं गुना ज़्यादा है। क्या वो लोगों ने भी एंटर एग्जिट कर लिया? बिल्कुल नहीं। उनको पता है ये जो रिटेल निवेशक है वो डरते हैं इनका फ़ायदा उठाने का, मस्त में पैसा यहाँ से वो यहाँ ट्रांसफ़र करने का और कमाने का। सो कंक्लूजन क्या है कि आप लोगों ने आराम से होल्ड करना है, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स है, जो स्टॉक्स में यूजुअली बात करता हूँ वो फंडामेंटली स्ट्रांग रहते, अगर कोई स्टॉक रिस्की रहता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स ऐसे भी है जिन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया, एंड उनको आपको भूलना नहीं है। मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप निफ्टी देखोगे तो इतनी ज़बरदस्त गिरावट, सेंसेक्स देखोगे तो उसने भी इतनी ज़बरदस्त गिरावट। सो इतनी गिरावट के बावजूद अगर आप निफ्टी 50 के भी कुछ शेयर्स देखोगे, HDFC बैंक, रिलायंस, सारे दिग्गज कंपनियां अगर आप देखोगे तो वहाँ पे करेक्ट हो चुकी है, 2%, 2.5%, 3% टूट चुकी है। बट उसके बावजूद कुछ स्टॉक ऐसे दोस्तों जो कि पॉजिटिव रिटर्न देके चले गए फर्स्ट वेव को। सो उन स्टॉक के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, उन स्टॉक के ऊपर हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है। सो फर्स्ट वेव अगर आप देखोगे, फर्स्ट वेव का किंग रहा है TCS। कितनी बार मैंने आपको कहा है ये स्टॉक खरीद के रख लेना, कितनी बार ये स्टॉक नीचे भी आया है, करेक्ट होके नीचे 1900 के लेवल तक भी आ चुका है। आप एक साल का चार्ट पैटर्न ही देख लेना, एक साल का चार्ट पैटर्न ही आपको बता देगा कि कितनी बार ये लेवल पे आ चुका है एंड वहाँ से बाउंस बैक कर चुका है। एंड इतनी गिरावट में, भयानक गिरावट में भी ये स्टॉक ने आपको लगभग 1.5% तक का पॉजिटिव रिटर्न देते हुए आप लोगों को बताया कि ये कितना अच्छा स्टॉक है। एंड मैं ऐसे हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप IT सेक्टर का दिग्गज स्टॉक निकालेंगे तो TCS ही आता है। अगर आप इसके रैंकिंग देखोगे स्टॉक मार्केट में तो ये सेकंड नंबर वाला स्टॉक है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो इतनी ज़बरदस्त काबिलियत थी इसमें, एंड इसके रिजल्ट भी अच्छे थे बट फ्लैट थे। मतलब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही किए गए थे कि आना चाहिए, और मैं भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा था, क्योंकि इसका 2300 का लेवल ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, ये लेवल टूटता ही नहीं है। और उसके लिए कंपनी में थोड़े से रिजल्ट अच्छे आने ज़रूरत थी, बट जिस तरीके से कहा, मैं अभी भी स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ, एंड आप देख सकते हो गिरते बाजार में इसने हमें पॉजिटिव रिटर्न दिए। सो 2300 का लेवल जिस दिन ये कंपनी तोड़ेगा एंड उसके ऊपर सस्टेन होके क्लोजिंग देने शुरू करेगा, कंसिस्टेंटली मैं बात कर रहा हूँ, तब ये स्टॉक रॉकेट बनेगा पूरी तरीके से, 2500-600 आराम से भागने वाला है। सो बताने का मकसद यही है दोस्तों कि TCS जैसे शेयर जो मैं आप लोगों को कितनी बार बता रहा था, वो आप देख सकते हो फर्स्ट फेब में जहाँ पे पूरा मार्केट डाउन था, ये स्टॉक आप लोगों को निफ्टी 50 में लीड करते हुए देखने को मिल रहा था। गजब का स्टॉक है, आप देख सकते हैं फंडामेंटली स्ट्रांग है। एंड उसी के साथ साथ NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस देखेंगे फर्स्ट वेब का, 54% तक की डिलीवरीज उठाई गई इतनी खराब मार्केट में। आप कंसिडर कर सकते हो दोस्तों कि कितनी ज़बरदस्त पावर है इस स्टॉक की। अगर आप इसके रिजल्ट भी देखोगे तो मेंटेनेबल रिजल्ट आ चुके हैं, उसी के साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड भी दे दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग है, 70-72% प्रमोटर्स के पास है, एंड बहुत ही मामूली से परसेंटेज यहाँ पे गिरवी रखे हुए जो कि 2.94% है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस स्टॉक को भूलना मत दोस्तों। हम लोग सारे गिरे हुए स्टॉक को देख रहे हैं, बट ये अच्छे स्टॉक भी है जो कि मैंने आपको कहा है पोर्टफोलियो में रख दो, इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है। चलिए और एक स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, IRCTC। सो IRCTC आप सभी लोगों को पता है कितने लोअर लेवल पे मैंने आपको बताया था। अगर आपको देखना है वो वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करके दे रहा हूँ, वो वाला वीडियो देख लेना, जहाँ पे ये स्टॉक आपको 900 के आसपास मिल रहा था।
ज़बरदस्त कंपनी, इसका बिजनेस मॉडल ही शानदार है। एंड आप देख सकते हो कि अच्छा खासा इसने लीड तो पकड़ लिया था, बट बाद में आप लोगों को पता है ये करेक्ट हुआ था। क्यों करेक्ट हुआ था? मार्केट में प्रेशर, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग फटाफट करना शुरू किया, इससे कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब नहीं होते। आप लोगों को समझ रहे हैं मैं क्या बात, मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब नहीं होते क्या? सारे कंपनी के तो ऐसे तो गिरे, मतलब सारे कंपनी के फंडामेंटल्स आप खराब बोल देंगे। रिलायंस भी ख़राब हो गई, HDFC बैंक खराब हो गई, HDFC भी खराब हो गई, एशियन पेंट भी खराब हो गई, अल्ट्राटेक सीमेंट खराब हो गई, टाटा मोटर्स खराब, सारे कंपनी खराब हो गए। फिर तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये प्रेशर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, चार्ट पैटर्न पे देख सकते हो। जब IRCTC बाजार के पहले ही इतना भाग चुका था कि इसने रिकॉर्ड बना दिया था, अपना 52 वीक हाई भी टच किया था, उसके बाद की गिरावट ये बात जताती है कि मार्केट का प्रेशर इस कंपनी के ऊपर हावी हुआ, जो कि इस स्टॉक को नीचे लेके आया। सो इस स्टॉक के ऊपर आप लोगों का एक ज़रूर ध्यान रहना चाहिए, एंड ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि इसने अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दिए 5% के, जो कि ऐसे गिरते हुए मार्केट में। सो IRCTC की अगर आप बात देखें तो ये देखिए NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पढ़ लेना, 52 वीक हाई 1 फेब को इसने बना दिया था 1333, एंड लो की तो बात ही मत करना भाई, इतना पुराना लो है, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस दिया है। 1 फेब का परफॉर्मेंस भी देख लेते, 10% के आसपास डिलीवरीज उठाई गई है, बहुत ही कम है, बट ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही अच्छा था। सो इस स्टॉक को भी आप लोगों ने नहीं भूलना चाहिए। और एक स्टॉक दोस्तों जिसका नाम है टाइटन कंपनी, हालांकि इसने पॉजिटिव रिटर्न तो नहीं दिए, बट गिरावट देखना दोस्तों सिर्फ 0.5%। जहाँ पे बड़े बड़े शेयर्स इतने जोर से गिर चुके हैं, वहाँ पे टाइटन जैसा शेयर में गिरावट नहीं हुई। क्यों गिरावट नहीं हुई, कभी आपने सोचा है? कभी आप स्टडी करने के लिए कष्ट उठाते हो? इसलिए नहीं गिरा क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन जोन में चल रहा है। ये ऑलरेडी 2200-2300 से था, वो यहाँ पे नीचे ऑलरेडी चल रहा है, सो और क्यों करेक्ट होना है? सो इसका अर्थ समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो स्टॉक आपको गिरे हुए मिल रहे हैं, जो वीडियो अभी आपने इससे पहले देखा निफ्टी 50 के दिग्गज शेयर, वो इसलिए गिरे क्योंकि वो ऑलरेडी हाई पे चल ही रहे थे, तो लोगों ने क्या किया, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग किया है। सो पैनिक नहीं होना है कि उसमें से कुछ गड़बड़ हो गए। मैं वापस कह रहा हूँ, गड़बड़ होना अलग बात होती है, क्या सारे स्टॉक में गड़बड़ थोड़ी हुई है? स्टॉक अच्छे हैं, ये एक्सटर्नल इशू है एंड ये हमेशा होता रहता है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ब्रेक्जिट हुआ था, ब्रेक्जिट से रिलेटेड चीज़ें आई थी सामने, वहाँ पे तो सेंसेक्स 1200-1300 पॉइंट्स टूट चुका था, इससे भी भयानक। तो ये बताने का मकसद यही कि स्टॉक मार्केट में ऐसी गिरावट हमेशा होती रहती है, कभी ना कभी ये होगा ही, जो कि अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये आपके लिए शायद से नया होगा, हम लोग यूज्ड टू इसके लिए। सो मेरा बनाने का वीडियो का मकसद ही यही है कि आप लोगों ने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में निवेश किया ना, तो उसको होल्ड करने का है। सो टाइटन कंपनी को भी आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए, देखिए कितना कम करेक्शन यहाँ पे हो चुका है। तो चलिए दोस्तों NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे रहा। ऑब्वियसली कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं, 33% तक की डिलीवरीज उठाई गई है, मैनेजेबल है हम लोग बोल सकते हैं, बट इतनी ज़बरदस्त गिरावट मार्केट में भी यहाँ पे लोग इसमें 30% से ज़्यादा की यहाँ पे डिलीवरीज उठा रही है, जो कि हम लोग कह सकते हैं अच्छी बात है। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं, बाटा इंडिया। सो बाटा इंडिया ये स्टॉक भी आप देख सकते हो दोस्तों, इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं हो चुका है, जो कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा चल चुका है। मतलब आप एक साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये इसने इतने ज़बरदस्त रिटर्न दिए, 50% से ज़्यादा के रिटर्न है। सो इसमें ज़बरदस्त गिरावट होनी चाहिए थी, बट उसके बावजूद सिर्फ 32 पॉइंट्स की गिरावट, ये बहुत ही आम गिरावट है। मतलब हम लोग कहे तो बाटा की अगर हम लोग बात करें, एक साल पहले ये 1185 पे चलता था एंड अभी 1794 पे करेक्ट होने की मैं बात की बात कर रहा हूँ। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 700 कमा के दिया एंड 32 रुपीज़ नीचे आ गया, तो क्या नुकसान हुआ क्या हम लोगों को? बिल्कुल भी नहीं, आराम से हम लोग इसमें बैठे हुए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे खासे रिटर्न हम लोगों को मिल रहे हैं। सो ये भी बताना चाहता हूँ कि बाटा इंडिया इस स्टॉक को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इसने इतनी ज़बरदस्त गिरावट में भी बहुत ही कम गिरावट दिखाई है, जो कि ऑलरेडी हाई पे चल रहा है। सो यही स्टॉक की एक खासियत है, जो कि पहले मिड कैप था, जो कि अभी लार्ज कैप बन चुका है, एंड इसको टक्कर देने वाला एक ही स्टॉक है रिलैक्सो। सो उसके भी रिजल्ट आ चुके हैं, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको कहा था रिजल्ट अच्छे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे थे, सर रिलैक्सो कल गिरेगा? अरे भाई पूरा मार्केट गिर रहा है, तो उसमें क्या गिर गया तो गिर गया, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनके रिजल्ट में कोई कमतरता नहीं है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। तो यही कहना चाहता हूँ, ये कंपनी के ऊपर भी आपका फोकस रहना चाहिए, बाटा इंडिया, जो कि बहुत ही गजब की कंपनी है। अगर मैं आपको जूम करके यहाँ पे बता दूँ तो लगभग सिर्फ 8% 8.5% तक की डिलीवरीज उठाई गई है, बट ओवरऑल जो इसका परसेंटेज वाला जो रिटर्न है वो बहुत ही शानदार है। उसके बाद दोस्तों नेस्ले इंडिया आउटस्टैंडिंग कंपनी है। यस डेफिनेटली महंगा है, बट क्या करो, अच्छा तो शेयर है। मैंने बहुत ही लो लेवल पे आप लोगों को कहा था ये स्टॉक खरीद के रख लेना, ये स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में, ऑब्वियसली क्वांटिटीज़ कम है क्योंकि जिस तरीके से प्राइसिंग है, बट रिटर्न देने में ये कंपनी कभी भी पीछे नहीं हटती। मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इनका मैनेजमेंट एक प्रूवन मैनेजमेंट है, मतलब एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है।
इसका अर्थ ये कि मैगी सिचुएशन जो क्रिएट हुई थी, मैगी का जो केस क्रिएट हुआ था, 5,000 तक आया था ये स्टॉक, उसके बाद वो सॉर्ट करना एंड उसके बाद रिकवरी दिखाना है। एंड निफ्टी 50 में एंटर करने के बाद बजट के दिन आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। 16,000 तक अभी ये स्टॉक जाने के तैयारी में है, इतना आउटस्टैंडिंग स्टॉक है। आपको देखना है ये स्टॉक मैंने कितने लेवल पे बताया था, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लेना। बताने का मकसद यही है कि ये स्टॉक आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए, जब गिरावट मार्केट गिर रहा था ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ही यहाँ पे अचीव कर रहे थे। तो चलिए फर्स्ट वेव को यहाँ पे परफॉर्मेंस देख लेते हैं, 37% तक की डिलीवरीज यहाँ पे उठाई गई है। तो चलिए इसी के साथ साथ और एक हम लोग स्टॉक देख लेते हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL। कितनी बार ये मैंने आप लोगों को कहा ये स्टॉक खरीदा, बीच में तो अगर आप देखोगे एक साल का चार्ट पैटर्न बताना चाहता हूँ, 1920 तक ये स्टॉक आ चुका था। मैंने आपको कहा था 1920 पे खरीद लेना, आ चुका था, बिंदास खरीद लेना। अभी आप देख सकते हो 2050 के भी ऊपर जा चुका है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। एंड ये स्टॉक ने भी अच्छे खासे पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे दिखाए गिरते हुए बाजार में। उसका मेन रीज़न है कि इनके रिजल्ट भी अच्छे खासे आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों HUL को भी आप लोगों ने नहीं भूलना है। परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट वेव को परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 34% तक की डिलीवरीज उठाई गई है, जो कि बताती है स्टॉक कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग है। और एक स्टॉक दोस्तों जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट डिमांड, देख लेना दोस्तों। मैंने कहा था आपको ये 2100 के ऊपर जाएगा एंड 2100 के ऊपर चला भी गया, बीच में प्रमोटर स्टेक सेल करेंगे इसलिए डरावनी चीज़ें सामने आ रही थी, बहुत सारे लोगों ने आपको डरा भी दिया था। एक बार जाके वो वाला वीडियो भी देख लेना जिन लोगों ने आपको डराया था, लेवल्स बताए थे इस लेवल पे एग्जिट करना, एंटर करना। एंड आज देख लो दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था, होल्ड करो, ये स्टॉक किधर भी जाएगा देखो, और गया भी। यही खासियत है दोस्तों कि ये अच्छे शेयर है मैं जो आपके सामने रखता हूँ। प्रॉब्लम यही होता है कि आप अच्छे खासे शेयर खरीदते हो बट होल्ड ही नहीं करते, पेशेंस ही नहीं है, आज खरीदा कल बेचने की बात करते हो। इतने गिरावट वाले मार्केट में 2100 के ऊपर ये स्टॉक चला गया, 50 पॉइंट्स की जंप आप देख सकते हो, लगभग 2.5% की जंप। अब आप सोचो यहाँ पे ये कितना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है एवेन्यू सुपरमार्ट डिमांड। सो दमानी सर अपना स्टेक बेच देंगे तो जब चाहे वो बेच देंगे, उससे क्या कंपनी का फंडामेंटल्स खराब नहीं होने वाले, इनफैक्ट वो स्टॉक आपको अच्छे खासे लोअर लेवल पे मिलेगा। सो डिमांड की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करूँगा, डेट देख लेना दोस्तों, 52 ही खाए फर्स्ट वेब को इसने बना दिया था। सो बाद में वो करेक्शन हुआ तो वो नीचे आ ही गया, वो तो IRCTC भी आया था, उससे वो कंपनी ख़राब नहीं होती। बट देख लेना जैसे मैंने कहा था कि ये ऑल टाइम हाई आपका जाएगा और ये देखो वो आ भी गया। अगर आपको ये भी वाला भी पुराना वीडियो देखना है जब मैंने आपको कहा था इसमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो वो वाला भी वीडियो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा कि मेरी वर्ड्स चेंज नहीं हुए थे, वो मैंने तभी भी वही रखे थे, आज भी वही रखेंगे, आगे भी वही रहेंगे। बट जैसे मैंने कहा था कुछ लोगों ने डराया था, उनके भी वीडियो देख लेना आप लोगों को कैसे डराया जाता है कि एग्जिट कर लो करके, अच्छे शेयर्स लोगों ने बेच दिए डिमांड जैसा शेयर। तो फर्स्ट वेव का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 27% तक की डिलीवरीज यहाँ पे उठाई गई है। तो ये सारे शेयर्स आप लोगों को नहीं भूलने जिन्होंने अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में कमा के दिए है। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ शेयर्स मैंने आपको बताए जैसे कि HUL, IRCTC हो या फिर डिमार्ट हो, अगर आप लोगों ने ये अच्छे शेयर आपके पोर्टफोलियो में रखे थे बट गलत डिसीजन के कारण, किसी के सुनने के कारण अगर आपने वो पैनिक में बेच दिए एंड उससे अगर आपको नुकसान हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि सिर्फ अच्छे शेयर सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी के साथ उसको होल्ड करना भी इंपॉर्टेंट है। तो यही कहना चाहता हूँ, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपको सिलेक्ट करनी है एंड उसमें आराम के साथ पेशेंस के साथ आपको होल्ड करना है, तो अच्छे खासे रिटर्न ज़रूर कमा के देंगे। एंड आज भी जो स्टॉक मैंने अभी आपके सामने बता दिए निफ्टी 50 वाले, वो सारे अच्छे शेयर्स हैं, अच्छे खासे रिटर्न कमा के देने वाले, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एंड उसी के साथ साथ और एक वीडियो मेरा अभी आने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला 7 शेयर जो कि और सस्ते दाम पे हम लोगों को मिलेंगे, जो कि निफ्टी 50 पे से रिलेटेड नहीं है, उसके बाहर के, बट वो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाले हैं। सो ऐसे स्टॉक में अगर आप बने हो तो उसमें आप लोगों ने पेशेंस के साथ रहना चाहिए एंड अगर मौका मिले जिस तरीके से मिला है तो कभी भी आप उसमें एवरेज कर सकते हो। सो फिलहाल वीडियो को यहीं पे रखना चाहूँगा, आयो आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।